अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद नईम अशरफ। आज हम एक्सेल के जिस फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे, उस फार्मूले का नाम है CountIF। CountIF फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, और यह फार्मूला हमारा अप्लाई होता है किसी सेल टीम की परफॉर्मेंस वगैरह को चेक करने के लिए। उनको यूनिट्स कितने उन्होंने सेल किए, किस पर्सन ने कितने सेल किए, क्या क्या सेल किया, कितनी प्राइस पर सेल किया, हम डिफरेंट तरह की कैटेगरीज को सिलेक्ट देख सकते हैं किसकी मदद से, इस फार्मूले की मदद से। ठीक है, हम इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए चलते हैं एक्सेल की शीट के ऊपर। अब इसमें देखिए, मैंने कुछ डेटाबेस आपके सामने रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है सीरियल नंबर आ रहे हैं, नेम्स आ रहे हैं, मोबाइल ब्रांड आ रहे हैं, यूनिट्स आ रहे हैं, डेट आ रही है और उसकी प्राइस आ रही है। यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया मैंने रखा हुआ है CountIF फार्मूले का, कि फार्मूला आपने किस तरीके से और कब कहाँ पर अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई किया हुआ, इसको मैं दोबारा अप्लाई करूँगा। पहले मैंने किया हुआ अप्लाई को उसको डिलीट करूँगा, सेलेक्ट किया, उसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको डिलीट कर दिया। डिलीट करना भी आप लोग सीखें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी, आप इस फार्मूले को कैसे और किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल फार्मूला है, अब यहाँ पर देखकर सीरियल नंबर के अंदर मेरे पास आ रहा है 1 से लेकर 14 तक। नेम मेरे पास आ रहे हैं अली अकबर, उमर, इरफान, रिजवान, अकबर, अली, रिजवान, अली, अकबर, अकबर, रिजवान, उमर, अली। मोबाइल जो ब्रांड है LG है, नोकिया है, क्यू मोबाइल है, और ये ब्रांड मेरे पास है। यूनिट्स कितने हैं, 8 जो से हैं वो अली ने LG के 8 यूनिट सेल किए 1 मई को 2000 रुपये के हिसाब से। अकबर ने नोकिया के यूनिट सेल किए 4 तारीख को 5000 के हिसाब से। यानी पूरी मेरे पास डाटा बेस आ गई। अब मैं फार्मूला की मदद से चेक करना चाहता हूँ कि अकबर ने कितने यूनिट सेल किए और कौन से यूनिट सेल किए, कितने सेल किए, किस दिन सेल किए और किस प्राइस पर सेल किए। ठीक है, यहाँ पर मैं फार्मूला अपना अप्लाई करता हूँ। रेंज के अंदर देखिए, मैंने जितने मेरे पास कॉलम आ रहे हैं, नेम, मोबाइल ब्रांड, यूनिट्स, डेट, प्राइस, सेम एज इट इज़ मैंने यहाँ पर लिख लिया, क्योंकि मैं डिफरेंट उसके एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो मैं डिफरेंट एनालिसिस के लिए डिफरेंट फार्मूले अप्लाई करूँगा। फार्मूला सबका एक ही होगा CountIF के नाम से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फार्मूले के अंदर एज इक्वल CountIF। आगे वो मेरे से पूछ रहा है इसकी रेंज बताइए। रेंज के अंदर मैं बताता हूँ कि नेम मेरे पास आ रहे हैं पूरे मंथ से लेकर 14, देन कॉमा। अब वो कहते हैं जी क्राइटेरिया बताइए। क्राइटेरिया या तो आप लोग यहाँ से किसी एक नाम को सिलेक्ट कर लें, अगर आप नाम को सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करें। अब इसमें कुछ भी नहीं, जब आप इसमें कॉलम को या इन नाम में से कोई भी नाम ऐड करेंगे तो आपको उसका फार्मूले के मुताबिक बता देगा कि ये नाम कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया, अभी तक कोई नाम नहीं है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली। अब देखें, अली यहाँ पर 4 बार आ रहा है। अब हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर अगर नाम चेंज करेंगे तो उसके आगे फार्मूला के अंदर उसका काउंट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ अकबर, अकबर भी 4 टाइम आ रहा है। हम चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजवान, रिजवान 3 टाइम आ रहा है। वेरीफाई करते हैं, 1, 2 और 3। ओके, अब हम चेक करते हैं कि मोबाइल ब्रांड कितने ब्रांड रिजवान ने कितने सेल किए। हाँ, फार्मूला अप्लाई करते हैं इज इक्वल CountIF। वो फिर मेरे से रेंज पूछ रहा है, हम यहाँ से अपनी रेंज देते हैं 1 से लेकर 14। देन वो पूछता है जी इसका क्राइटेरिया बताइए। या तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लें कोई सा एक नाम, या फिर इस सेल को सेलेक्ट करें और उसके बाद ब्रैकेट बंद करें, एंटर प्रेस करें, 0 आ रहा है। अब मैं कहता हूँ कि रिजवान ने LG के सेल कितने सेल किए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ LG, इसने LG के 5 सेल सेल किए। हम चेक कर लेते हैं रिजवान, 1 कितनी बार LG का जो सा है वो कितनी बार इसका ब्रांड आ रहा है, L 1, 2, 3, 4 और 5। अभी देखें जो सा वो LG है वो 5 टाइम आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि ये ब्रांड कितनी बार आ रहा है, क्यू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्यू मोबाइल, ये भी 5 टाइम आ रहा है। ये भी चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोकिया, नोकिया 4 टाइम आ रहा है। चेक कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। अब उसके बाद हम यूनिट चेक कर, यूनिट का फार्मूला लगाते हैं कि यूनिट्स कितनी बार आ रहा है। उसके लिए भी सेम फार्मूला, एज इक्वल CountIF। देन उसके बाद वो पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हम वही वाला 1 से लेकर 14 तक। देन वो पूछ रहा है अरेंज, अरेंज आप वहाँ से कोई एक सेल सेलेक्ट कर लें, या फिर इसको जो ब्लैंक एरिया आपका इसको सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्रैकेट बंद करें और यहाँ पर आप लोग लिखें 10 कि 10 कितनी टाइम आ रहा है, 2 टाइम। हम वेरीफाई करते हैं, 1 एंड 2। ओके, अब यहाँ पे लिखते हैं 3 कि 3 कितनी टाइम आ रहा है, 4 टाइम। हम वेरीफाई करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके,
देन हम यहाँ पर डेट का फॉर्मूला लगाते हैं काउंट इफ, देन वो पिक क्राइटेरिया, वो रेंज पूछ रहे हैं, हम कहते हैं रेंज हमारी है 1 से लेकर 14 तक। उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, 1 से सिलेक्ट, 1 सेल को सिलेक्ट कर लें या यहाँ पर इसको ब्लैंक को सिलेक्ट करें और उसके बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ पर मैं कोई सी भी डेट डालता हूँ, सॉरी कोई सी भी मैं यहाँ पर डेट डालता हूँ 7/5/2017, 2 टाइम आ रही है, हम वेरीफाई करते हैं 1, 2 ओके। अब यहाँ पर हम दोबारा वेरीफाई करते हैं, कोई और डेट डालते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखते हैं 1, 1, 6 टाइम आ रहा है ओके। हम यहाँ पर वेरीफाई करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओके। और यहाँ पर प्राइस का फॉर्मूला लगाते हैं सेम काउंट इफ, रेंज बताइए उसको 1 से लेकर 14 तक हमारी रेंज है कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया, एक सेल को सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे इस ब्लैंक को सिलेक्ट करें, उसके बाद एंटर प्रेस करें। यहाँ पे लिखें कि 6000 के हिसाब से कितने सेल आपने सेल किए, 2 दफ़ा आपने सेल किए, कैसे वेरीफाई करते हैं 1, 2 ओके। हम यहाँ पे सेल प्राइस चेंज करते हैं 2000, 2 टाइम आ रहा है 1, 2 ओके। हम यहाँ पर सेल चेंज करते हैं, प्राइस चेंज करते हैं 3000, 3 टाइम आ रहा है, चेक करते हैं 3, 1, 2 एंड 3 ओके। हम देन इसकी मदद से हम अपने ये बहुत बड़े डेटाबेस को अच्छे तरीके से एक्यूरेसी के साथ चेक कर सकते हैं कि हमारा हमारे यूनिट्स हैं वो किस आदमी ने कितने सेल किए, कौन कौन सा ब्रांड सेल किया, किस हिसाब से सेल किया और किस डेट पे सेल किया। ये फार्मूला हम लोग बड़ी से बड़े डेटाबेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हर बच्चे को यह फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देन नई वीडियो के साथ दोबारा फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब भी हम नई वीडियो अपनी अपलोड करेंगे, आपको उसका इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।